हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव। सो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आई हुई थी कि मैम बहुत जल्द आप इसी टॉपिक पे वीडियो बना दें। सो थोड़ा मैं लेट हो गई हूँ, सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगी सॉरी। तो वंस अगेन मैं कम बैक आ चुकी हूँ अपने चैनल पर और काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी, बट अब कंटिन्यू मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगी। सो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो सभी स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम थी सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव की, तो आज हम देखेंगे कि यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव सेंटेंस में कैसे करते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों को लेकर हम एक सेंटेंसेस जो का निर्माण जो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। सो उसमें हमें इन्फिनेटिव सेंटेंसेस का यूज़ कैसे करना है वो आज हम देखेंगे। तो देखेंगे हमें यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव सेंटेंस देखना है। तो पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा वॉट इज़ इन्फिनेटिव, क्या होता है, इन्फिनेटिव है क्या, आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए। तो हमारा इन्फिनेटिव क्या होता है, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू शब्द का जो यूज़ करने से पहले यह एक शब्द समूह जो बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए जब किसी भी वाक्य की क्रिया मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आता है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंसेस में अगर एक या दो से अधिक वाक्यों में क्रिया से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज़ हो रहा है, टू का प्रयोग हो रहा है, तो वो कैसे सेंटेंसेस हैं, इन्फिनेटिव सेंटेंसेस हैं। सो ये चीज़ क्लियर हो गया आपकी, इन्फिनेटिव है क्या। उसके बाद अब इसका इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। इन्फिनेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग कैसे करते हैं, पहले सेंटेंसेस का सब्जेक्ट तथा दूसरे सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक ही समान हो इस स्थिति में हम इन्फिनेटिव सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमारा एक सेंटेंसेस का वाक्य मतलब वाक्य का पहला सेंटेंस जो भी होगा उसका सब्जेक्ट देन दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट दोनों का सेम होता है तो वो उस सेंटेंसेस में हम क्या यूज़ करेंगे, इन्फिनेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कोई भी दो सेंटेंसेस हैं तो उन दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम हो तभी हम दो सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंसेस का निर्माण कर पाएंगे और तभी हम उसमें इन्फिनेटिव का यूज़ कर पाएंगे। सो देन नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यदि पहले वाक्य में रीज़न तथा दूसरे वाक्य में रिजल्ट दिखाई दे तब हम इन्फिनेटिव सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा पहले सेंटेंसेस में किसी भी रीज़न को शो कर रहा है अगर सेंटेंसेस और उसी में दूसरा सेंटेंसेस रिजल्ट का शो कर रहा है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इन्फिनेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पहले सेंटेंसेस में क्या होना चाहिए, रीज़न, देन सेकंड सेंटेंसेस में क्या होना चाहिए, रिजल्ट, उसमें हम क्या करेंगे, इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। थोड़ा स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, उसमें सेंटेंसेस फर्स्ट मतलब पहला सेंटेंसेस पहला वाक्य देन दूसरा वाक्य दोनों में क्या रिजल्ट और रीज़न और रिजल्ट होना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर आपको रीज़न के साथ रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसमें आपको क्या मिलेगा सेंटेंस में, उद्देश्य मीन्स एम। अगर आपका रीज़न के साथ रिजल्ट शो नहीं कर रहा तो आपको क्या मिलेगा उसमें, उद्देश्य। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इन्फिनेटिव सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं। सो सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है सभी को चेंज करना, बट आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। जो मैं आपको ये सभी बातें बता रही हूँ ये बहुत माइनर सी बातें होती हैं बट इनसे आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक कर जाते हैं। कुछ भी क्लियर नहीं होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द ही उसी टॉपिक पर भी और उसी कॉम्प्लीमेंट पर जो आप देंगे उसी पर जल्द से जल्द वीडियो बनाकर दूंगी। कुछ भी रीज़न होता है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो इसी के बाद हम देखते हैं एग्जांपल्स, इन सभी के एग्जांपल्स। तो एग्जांपल हैं इनके वो देखते हैं, जैसे एग्जांपल में है रवि रन फास्ट ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज। तो इस सेंटेंसेस को आप एग्जांपल को आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल है रवि रन फास्ट ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज। तो रवि के रन फास्ट कर रहा है उससे वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, पहला सेंटेंसेस हमारा क्या शो कर रहा है, रीज़न, और दूसरा सेंटेंसेस क्या शो कर रहा है, रिजल्ट। तो इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर हम एक नए सेंटेंसेस का निर्माण करेंगे और वो हमें इन्फिनेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना होगा। सो हम करते हैं अब इन्फिनेटिव सेंटेंस में चेंज, वो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है आप सभी को मैंने बताया है, रन रवि रन फास्ट टू गेट फर्स्ट प्राइज,
टू लगाते ही वर्ब से पहले हमारा वो सेंटेंसेस किस में चेंज हो जाता है, इन्फिनेटिव सेंटेंसेस में चेंज हो जाता है। बट आपको पता होना चाहिए पहला सेंटेंसेस हमारा रीजन शो कर रहा है, दूसरा रिजल्ट शो कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को मिलकर हम एक क्या बना लेते हैं, इन्फिनेटिव सेंटेंस बना लेते हैं जिसमें वर्ब से पहले हम टू का यूज़ करेंगे। तो रवि रन फास्ट टू गेट फर्स्ट प्राइज़, ये हमारा किस में चेंज हो गया, इन्फिनेटिव सेंटेंस में। सो आपको बहुत ही ईजिली आप किसी भी सेंटेंस को ऐसे तैयार कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि आप कैसे इन्फिनेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे। देन इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मोर से मोर प्रैक्टिस हो जाएगी। सो ही हैड नो मनी, ही कुड नॉट गिव एनीबडी। पहला हमारा सेंटेंसेस क्या कर रहा है, रीजन शो कर रहा है। देन दूसरा सेंटेंसेस हमारा क्या शो कर रहा है, रिजल्ट शो कर रहा है। तो ही हैड नो मनी, ही कुड नॉट गिव एनीबडी। सो इसको हम चेंज करेंगे इन्फिनेटिव सेंटेंसेस में, सेम वही प्रोसीजर रहेगा। ही हैड नो मनी, पहले हमें चेंज करने से पहले हम क्या ढूंढते हैं, जो हमारा रिजल्ट होता है, रिजल्ट यहाँ गिव है, तो गिव से पहले क्या यूज करेंगे, टू का। तो ही हैड नो मनी टू गिव एनीबडी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इन सेंटेंसेस को ईजिली कर सकते हैं। देन आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी कि दोनों सब्जेक्ट, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान होते हैं, वहाँ भी हम कैसे इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं उसी एग्जांपल को भी, थर्ड एग्जांपल वही है हमारा। ये कह रहा है कि आई एम लिविंग फॉर दिल्ली, आई शैल लिव देयर। तो इसमें हम क्या करेंगे, आई एम लिविंग फॉर दिल्ली, आई शैल लिव देयर। तो इसमें हमारा पहला सेंटेंसेस क्या शो कर रहा है, पहला सेंटेंसेस हमारा शो कर रहा है रीजन, और दूसरा सेंटेंस हमारा क्या कर रहा है यहाँ पर, उद्देश्य। क्या कर रहा है, उद्देश्य, मीन्स एम, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के सब्जेक्ट भी सेम है, तो ये हमारा वो वाला सेंटेंसेस हो गया जो मैंने बताया था कि दोनों सब्जेक्ट, दोनों सेंटेंसेस के वाक्य जो हैं, मतलब सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए दोनों के। तो उन दोनों के सब्जेक्ट हमारे सेम हैं, दोनों के आए हुए हैं। तो इसमें हमने क्या चेंज करना होगा, इसमें हमें चेंज करना होगा इन्फिनेटिव में। ऐसे सेंटेंसेस को आप देख के समझ सकते हैं कि वो इन्फिनेटिव में चेंज करना है। तो इसमें हम क्या लेंगे, यहाँ पर पहला सेंटेंसेस हम लेंगे, उसके साथ यहाँ पर जो हमारा एम है वो क्या है, लिव देयर। तो उससे पहले क्या यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। तो आई एम लिविंग फॉर दिल्ली टू लिव देयर, ठीक है। इसी तरीके से हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल है ही इज़ वेरी फैट, ही कैन नॉट रन। बहुत, इसमें क्या हमारा पहला दोनों का सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, और इसमें हमारा दूसरा सेंटेंसेस क्या कर रहा है, रीजन, सॉरी ऑब्जेक्ट, उद्देश्य आपको दे रहा है, एम बता रहा है। तो इसको हम सेंटेंसेस को एक बना सकते हैं कैसे, उससे पहले हमें टू का यूज़ करना होगा। तो हमें यहाँ रन से पहले टू का यूज़ करेंगे, तो ही इज़ वेरी फैट टू रन। देन फिफ्थ सेंटेंसेस है हमारा, एग्जाम्पल है हमारा फिफ्थ, शी विल गो टू कानपुर, शी विल सी हेयर फादर। तो इसमें दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, दोनों का सब्जेक्ट हमारा सेम है। इस तरीके से भी सेंटेंसेस लिखे आते हैं, दोनों सेंटेंसेस इस तरीके से भी लिखे आते हैं, और दोनों एक साथ भी लिखे आते हैं। तो मैंने इसे आपको इसलिए लिख के दिखाया है कि इस टाइप के सेंटेंसेस भी आ जाएँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को भी आप वही पोजीशन देखेंगे कि इन्फिनेटिव को चेंज करने के लिए क्या क्या पोजीशन है। अगर वो वाली पोजीशन है तो आप उसको इन्फिनेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों का सब्जेक्ट सेम है, तो यहाँ पर चेंज करेंगे शी विल गो टू कानपुर। यहाँ पर हमें उसने क्या कहा है, सी हर फादर, तो टू सी हर फादर, यही उसका उद्देश्य था, एम था। तो यहाँ पर हम उससे पहले क्या यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप काफ़ी सारे एग्जांपल्स को करके देखिए, उसके बाद आपको पता लगेगा आपकी कहाँ तक प्रैक्टिस हुई है और आपको कितना समझ में आया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।